नमस्कार जय हिंद दोस्तों, आपका एक बार फिर से मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे विराट कोहली और बांग्लादेश के खिलाड़ियों के बीच हुई बहस के बारे में। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इनके बीच बहस का असली कारण क्या है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। जैसा कि सभी को पता है, टीम इंडिया बांग्लादेश के दौरे पर 3 वनडे और 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलने के लिए गई है, जहां टीम इंडिया 3 वनडे मैचों की सीरीज 2-1 से हार गई, लेकिन अब टेस्ट मैच की सीरीज टीम इंडिया 2-1 से जीत गई। टेस्ट मैचों में जहां टीम इंडिया ने पहला मैच 188 रन से जीता, तो वहीं दूसरा मैच 3 विकेट से अपना नाम किया। तो अब हम बात करने वाले हैं दूसरे टेस्ट मैच के बारे में। दूसरे मैच में बांग्लादेश ने सबसे पहले बैटिंग की और बांग्लादेश ने पहली पारी में 227 रन का स्कोर किया और जवाब में टीम इंडिया ने 312 रन का स्कोर किया, जिसमें ऋषभ पंत की शानदार 93 रन की पारी और सुरेश अय्यर के भी 87 रन शामिल थे, और इन दोनों की बेहतरीन पारी के बदौलत टीम इंडिया ने 27 रन की बढ़त ले ली। लेकिन जैसे ही बांग्लादेश की टीम दूसरी पारी खेलने उतरी, तो बांग्लादेश के विकेट जल्दी से गिरने लगी और बांग्लादेश के विकेट गिरने के कारण विराट कोहली अपनी खुशी जाहिर करने लगी। विराट कोहली के विकेट गिरने पर जश्न मनाने के कारण बांग्लादेश के खिलाड़ियों को वह बात खटक गई, और जब बांग्लादेश की दूसरी पारी 231 रन पर सिमट गई और बांग्लादेश ने टीम इंडिया को जीत के लिए 145 रन का लक्ष्य दिया, और तीसरे दिन जब टीम इंडिया मैदान पर खेलने उतरी, तो उस दिन टीम इंडिया के 45 रन पर 4 विकेट गिर गई। और दूसरी पारी में जब विराट कोहली खेलने उतरे, तो बांग्लादेश के खिलाड़ियों ने विराट कोहली को उकसाया और विराट कोहली आउट हो गई, और विराट कोहली के आउट होने के बाद बांग्लादेश के खिलाड़ियों ने विराट कोहली को मैदान से बाहर जाने के लिए कहा, जिसके कारण विराट कोहली और भी भड़क गई और बांग्लादेशी खिलाड़ियों से बहस करने लगे। लेकिन बाद में अंपायर के बीच बचाव के कारण कोहली मैदान से बाहर आ गई, और जब तीसरे दिन का मैच समाप्त हुआ, तो बांग्लादेशी खिलाड़ियों को लगा कि शायद वो यह मैच आसानी से जीत लेंगे। लेकिन जैसे ही चौथे दिन का खेल शुरू हुआ, तो अश्विन और सुरेश अय्यर ने टीम इंडिया को जीत दिला दी, और इस जीत के साथ टीम इंडिया ने यह सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली, और इस मैच के लिए मैन ऑफ द मैच अश्विन को चुना गया, और इन दो मैचों की सीरीज के लिए मैन ऑफ द सीरीज चेतेश्वर पुजारा को चुना गया। इस सीरीज के जीतने के साथ ही टीम इंडिया की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह लगभग पक्की हो चुकी है, और टीम इंडिया अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का फाइनल खेलने वाली है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।